चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बंधक बने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, 10 घंटे बाद पुलिस ने कराया मुक्त। भीषण गर्मी के चलते दिल्ली में जल संकट गहराने के साथ ही पानी पर होने वाली सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में पेयजल संकट को लेकर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय के बाहर पेयजल किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल कुमार को उनके दफ्तर में ही बंधक बना लिया। आधी रात तक भाजपा नेता दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने 10 घंटे से भी अधिक समय तक बंधक बनाए गए सीईओ को छुड़ाया। इसी के साथ भाजपा का धरना भी खत्म हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में मंगलवार शाम 5 बजे प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष व दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य जयप्रकाश और महामंत्री रविन्द्र गुप्ता, कई पार्षद और दिल्ली के विभिन्न इलाकों से काफी संख्या में लोगों के साथ जल बोर्ड के मुख्यालय पहुंच गए। इसके बाद विजय गोयल ने मुख्यालय के बाहर ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि उन्हें सीईओ से मिलने नहीं दिया गया, इस वजह से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय के बाहर ही सभी लोग प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद भाजपा नेताओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिलने के लिए उनके कार्यालय में भेजा गया। तब भाजपा नेता पेयजल की समस्याओं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लिखित जवाब मांगने लगे। इसी बीच विजय गोयल ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ कार्यालय के बाहर ताला लगाकर उन्हें व अन्य भाजपा नेताओं को बंधक बना लिया गया है। उन्हें दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, इसीलिए हमने दफ्तर में अंदर से ताला लगा लिया है। जब इनके पास सोल्यूशन, इनके पास सोल्यूशन ही नहीं है। 18,000 की फोर्स से काम ही नहीं कर रही है। जब काम नहीं कर रही है तो बैठे आराम से सब लोग तनख्वाह ले रहे हैं अपने। एक भी बात का ये जवाब नहीं दे पा रहे, कहते कल दे देंगे जवाब। इनको पता ही नहीं, इनके पास रिपोर्ट ही नहीं है। हाँ, इन्होंने सारी तरफ ताले लगा दिए, पुलिस बुला ली है। हमारे अच्छे आदमी हो, इन्होंने बंधक बनाया, इन्होंने अभी तो बंधक बना रखा है, हमने इनको अंदर बना रखा है। इन्होंने हमें बाहर से निकलने के लिए ताले लगा दिए, हमने इनके अंदर से ताले लगा दिए। विजय गोयल ने कहा कि जल बोर्ड के पास कर्मचारियों की भारी भरकम फौज होने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। पेयजल समस्या से जुड़ी लोगों की शिकायतों पर अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। विजय गोयल दिल्ली जल बोर्ड से उन इलाकों की सूची मांग रहे थे जहां पर दूषित पानी की सप्लाई जारी है। इसके साथ ही जल बोर्ड द्वारा टैंकर के माध्यम से भी पर्याप्त पानी की सप्लाई न किए जाने और पाइपलाइन से लीकेज होने वाले स्थानों की जानकारी मांगने पर विजय गोयल अड़े थे। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।